तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मैंने वो किस तरीके से मंगाया था और मैंने कितने पैसे बचाए और कौन सी टेक्निक यूज की मैंने जिससे आपके भी पैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि कुछ बेनिफिट आपका हो सके, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। हेलो फ्रेंड्स, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये क्या हैं। तो मैंने इनको खोल लिया है और देखा पहले, तो इसकी तो मैंने अनबॉक्सिंग कर ली है पहले ही, तो मैं दिखा लेता हूँ आपको क्या है ये। एक्चुअली ये मैंने मंगाया है मैट, जो कि अपने का आप रिकवर करता है खुद को। इसके ऊपर ये क्राफ्ट वगैरह बनाते ना तो इसी जरूरत पड़ती है, और काटने के लिए हमें ये नीचे लगाना पड़ता है ताकि नीचे वाले पे निशान ना हो, इसके ऊपर निशान हो जाएं, और जो निशान होते हैं ना वो ये खुद रिकवर कर लेता है। तो देखते हैं अभी कैसा है ये। इसका साइज़ जो है वो है A3 कटिंग मैट है, सेल्फ हीलिंग मैट बोलते हैं इसको। ये अलग अलग डिज़ाइन में आता है, तो ये A3 साइज़ का मंगाया मैंने। ये पूरा इतना बड़ा है, कोने तक है इसका साइज़, और ऐसे है वो है लगभग 1 फुट का है। ये इस कंपनी का मंगाया मैंने, तो काफ़ी अच्छा है और थोड़ा हैवी है, लगभग 250 से 300 ग्राम के बीच भी हो सकता है इसका वेट, एग्जैक्टली नहीं बता सकता मैं। सिल्वर कलर से इसके ऊपर ये लाइनिंग की गई है और नीचे ग्रीन है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, और टेबल पे कितना प्यारा लग रहा है। मोटाई भी काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए कम से कम 5 mm। इसकी मंगाने की एक वजह है कि पहले मैं इस पर बनाया करता था, सारी कटिंग इस पर किया करता था, बहुत सारे निशान हो गए इसके ऊपर, वो थोड़ी बद्दी लग रही है, इसलिए मैंने इसको मंगाया है। तो अभी देखते हैं कैसे काटेंगे, काट देंगे। ये देखिए कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर, क्योंकि अपने आप ही ठीक कर लेता है खुद को। इस पर ये लाइन दिख रही है, तो देखते हैं कब तक ये रिकवर हो जाएगी। हालांकि दिख भी नहीं रही है हमें कि कहाँ कट लगा कहाँ नहीं, रियल में भी कम दिख रही है और काफ़ी अच्छी है ये। एंगल भी हैं इसके अंदर, ये देखिए ये 80 डिग्री का हो गया, 60, 45, और इसके पीछे भी है एंगल, अलग अलग सर्कल हैं, अलग अलग मेजरमेंट डायमेंशन है, MM में भी है और सब कुछ है, एलिप्स भी है ये ऊपर छोटे छोटे, तो काफ़ी सारी वैरायटीज इसके अंदर हैं। 90 डिग्री का कुछ काटना हो तो सिंपल ऐसे रखेंगे और निशान लगा लेंगे इतना, नीचे ये दे रखी है सेंटीमीटर में लाइनिंग, तो काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाएगी इससे हमारी। तो अभी बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी प्राइस के बारे में कि कितने का पड़ा मेरे को। एक्चुअली शिपिंग चार्ज लगाने के बाद मेरे को पड़ा है 330 रुपये का टोटल, और वैसे मार्केट से लेने जाएंगे तो लगभग 300 के करीब पड़ जाएगा, तो उतना ही पड़ेगा हमें। चलिए अभी बात करते हैं इसके बारे में। ये मैंने मंगाया है अमेजोन से दोनों चीज़ें, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये देखिए कुछ इस तरीके से पैकिंग में आया है और बिल्कुल डिब्बा ओके है। साइट वगैरह पे काम करते जाते हैं ना तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली इसकी, क्योंकि इसमें एक तो लीवल हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क हो, इलेक्ट्रिशियन वर्क हो, या फिर लकड़ी का वर्क हो, तो तीनों जगह में एक नंबर काम करेगा। ये पानी की फिटिंग हो वहाँ पर चल जाएगा। ये जो इंची टेप है इसका, ये पूरे 8 फुट का है, तो हमें इंची टेप अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लोग वाला सिस्टम इसके अंदर अपने पर रुक गया है, और थोड़ा दबाएंगे, ये देखिए अंदर आ गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया दो, और तीसरी ये कोई लाइन वगैरह 6 इंच तक कोई भी लाइन हो, ये सेंटीमीटर साइड 3 और 4 इंच और सेंटीमीटर, और एक और जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी मेरे को, उसके लिए मैंने स्पेशली मंगाया इसको, यहाँ पर एक पुल का ये मिलेगा, इसको ऐसे खींच देंगे तो ये ऐसे ऑन हो जाएगी। ये देखिए इसके अंदर है लाइट लाल, जो कि आप देख सकते हैं ये है लीवल का काम करेगी, जैसे इसको ऊपर कर दिया तो ये मतलब ये लाइन दिखाएगी बस, और इसको बिल्कुल यहाँ से दबा देंगे नीचे, ये नीचे गई तो ये दिखाएगी बस ये लाइन, और जोनटल वर्टिकल अलग अलग लाइन दिखाएगी, और अगर हम दोनों चाहिए तो ये होगी बिल्कुल सेंटर में, ये देखिए प्लस का निशान बन गया। तो फ्रेंड्स मैंने इसको स्पेशली मंगाया है लीवल के लिए, एक्चुअली कई बार जरूरत पड़ जाती है एक दीवार पे कुछ काम करते समय एक लाइन बनाने के लिए, तो इससे बिल्कुल भी एरर नहीं आएगा हमारा, तो इसलिए मैंने इसे मंगाया है। और इसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है, इसके अंदर ऑन ऑफ का बटन है, ये बंद कर दिया, हैवी भी है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो चलिए बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। इसका प्राइस जो है काफ़ी कम हो रखा है फिलहाल, 2 से 2.5 हज़ार के बीच में था, तो फिर मैंने एक एप्लीकेशन का पता चला कहीं से, वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर वीडियो में दे दूंगा साइड में कि कौन सी एप्लीकेशन है, उस पर आप इसका लिंक चेक करेंगे अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, वहाँ से कॉपी करके उस पर पेस्ट कर देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि पहले कितना प्राइस था और अभी कितना चल रहा है इसका, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, आपके पैसे बच जाएंगे। इसका प्राइस जो है 589 रुपये पड़ा मेरे को, और अभी अभी मैंने चेक किया वो है 579, 10 रुपये का फर्क हो चुका है सिर्फ 2 दिन में, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है फ्रेंड्स, आप चाहें तो बिल्कुल मंगा सकते हैं आपकी आवश्यकता के अनुसार। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर
अलग अलग तरीके से इसको एक कॉम्पैक्ट साइज में बना दिया गया है। तीन चार चीज़ें इसके अंदर दे दी गई हैं जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। क्राफ्ट के लिए ये वाली चीज़ यूज़ होने वाली है काफ़ी ज़्यादा, बेसिकली ज़्यादा नीड थी इसलिए मैंने मंगाई है, जिससे अपना काम ज़्यादा हो जाए और समय बच भी जाए। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपके साथ ही शेयर की हैं बातें। फ्रेंड्स, मैं इसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ और इसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, वो समय के साथ साथ पता लगता रहेगा और मैं शेयर करता रहूँगा। उसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, RJ फिनटेक व्लॉग्स। तो वहाँ पर मैं अपनी डेली लाइफ में जो भी बातें होती हैं सभी शेयर करता हूँ, किस तरीके से प्रोजेक्ट तैयार करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कर लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये जानकारी आपके काम की जरूर निकली होगी। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सर्दी से बचे रहें। बाय।